मखमूद की वजह से पुतिन बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन अब पुतिन ने बदला लेने की तारीख चुन ली है। ज़ेलेंस्की को सबसे एक गेम चेंजर मिसाइल मिली है। जब से गेम चेंजर मिसाइल मिली है, पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका है, और इसलिए पुतिन अब ज़ेलेंस्की से ज्यादा उनकी मदद करने वाले नेटो को तबाह करने का ऑर्डर दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल कर दी है। इस तस्वीर में बहुत बड़ी धमकी है। इस फोटो में बहुत बड़े धमाके की आहट है, बहुत खौफनाक अंजाम का ट्रेलर है। इस तस्वीर में युद्ध को पलट देने वाली पावर है। ज़ेलेंस्की ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि ये फोटो व्लादिमीर पुतिन की टेबल तक जरूर पहुंचे, ताकि पुतिन बार बार इसे देखें और समझ जाएं कि ज़ेलेंस्की ने कौन सा बड़ा खतरा उनके लिए पैदा कर दिया है। सवाल है कि इस तस्वीर में ऐसा है क्या जो पुतिन को डरा सकता है? ज़ेलेंस्की की इस तस्वीर में बहुत बड़ा मैसेज है, और ये फोटो खास पुतिन को डराने के लिए खींची गई है। सवाल है कि इस तस्वीर में ऐसा है क्या जो पुतिन को डरा सकता है? गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये यूक्रेन का सुखोई 24 फाइटर जेट है, और इसमें विंग्स के नीचे लगी हैं दो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन दोनों मिसाइलों का मतलब है कि एक हवाई हमले में रूस के दो ठिकाने खत्म करने की तैयारी ज़ेलेंस्की ने दिखा दी है। पुतिन के सामने अपनी 250 किलोमीटर तक जमीन को बचाने का बड़ा चैलेंज है। 250 किलोमीटर का मतलब है कि ज़ेलेंस्की अब रूस में घुसकर बमबारी कर रहे हैं, और इसमें उनकी मदद नेटो कर रहा है। स्टॉर्म शैडो को लेकर ज़ेलेंस्की ने बहुत शोर मचाया है। इस क्रूज मिसाइल को ज़ेलेंस्की गेम चेंजर बता चुके हैं। यही मिसाइल ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। इस मिसाइल की ताकत समझने से पहले आप देखिए कि इस मिसाइल को फायर करके ज़ेलेंस्की की रेंज में रूस का कौन कौन सा हिस्सा आ गया है, और कई जगह तो उन्होंने हमलों को अंजाम भी दिया है। तो जवाब है कि 250 किलोमीटर रेंज के साथ यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास जो भी इलाका होगा, वहां ये मिसाइल सटीक हमले करेगी। 250 किलोमीटर की रेंज में पुतिन के बड़े सैन्य अड्डे हैं, पुतिन के मिसाइल लॉन्चर हैं, पुतिन की सेना के बड़े ठिकाने हैं, और जहां तक ये मिसाइल जाएगी वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी बहुत ही सटीक निशाने के साथ वार करेगी। इस वक्त इस मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए नेटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के दो वर्जन हैं, और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो से लैस हैं। यूक्रेन का सुखोई 24 विमान टारगेट से 250 किलोमीटर दूर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लॉन्च करता है। उसके बाद ये मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है, और हमले से एन पहले स्टॉर्म शैडो एक ऊंचाई तक जाती है और फिर डाइव करके अपने टारगेट पर हिट करती है। अब स्टॉर्म शैडो को लेकर पर्दे के पीछे क्या हुआ उसे समझिए। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिलने के बाद दुनिया ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और सीक्रेट मीटिंग देखी जो ब्रिटेन में हुई। दो बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर अचानक ब्रिटेन के आसमान में नजर आए। दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दोनों हेलीकॉप्टरों में दो बहुत ही खास हस्तियां थी। ये थे ब्रिटेन के चिनूक हेलीकॉप्टर। ये दोनों हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली के सामने मैदान में एक साथ उतरे, इस रहस्य को समेटे हुए कि कौन इस फ्लाइंग मशीन में सवार होकर यहाँ पहुंचा है। सबकी निगाहें हेलीकॉप्टर पर थी।
फिर दोनों हेलीकॉप्टरों में से कुछ लोग निकले और साथ मिलकर इस बड़ी सी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तब पता चलता है कि आखिर ये दोनों हस्तियां कौन थी। हवेली के दरवाजे के सामने स्टॉर्म शैडो वाली पार्टनरशिप की तस्वीर थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और साथ में थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दे दी थी। ये मिसाइल नाटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है। ये यूरो फाइटर टाइफून से लेकर राफेल और ग्रेपन से लेकर टॉर्नेडो और मिराज फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की को नहीं दिया, उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को थमा दी है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन ज़ेलेंस्की को मिला है, उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई मिसाइल नहीं है। The latest weapon that the United Kingdom has supported Ukraine in using and indeed acquiring is the Storm Shadow Deep Strike missile. That is the first long-range missile supplied to Ukraine by its allies. We supplied it because of Russia's constant use of its long-range weapons to target civilians and civilian critical national infrastructure against all international law. स्टॉर्म शैडो से ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना के ठिकानों पर तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। मई के आखिर में इससे हमले बढ़े हैं और जून में तो ज़ेलेंस्की इस मिसाइल के कई हमले प्लान कर चुके हैं। यूक्रेन की फौज ने लुहांस्क में इस मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया और ये मिसाइल एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरी। मलबे के बीच से ये टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, ये पार्ट सिर्फ स्टॉर्म शैडो में इस्तेमाल करने के लिए। 12 मई около 18:30 по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий Полипак и мясоперерабатывающему комбинату Милан в городе Луганск. रूस का दावा है कि उसने इस स्ट्राइक में शामिल यूक्रेन के दो विमानों को मार गिराया। इनमें एक सुखोई 24 और दूसरा मिग 29 था। इस स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की को ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा जा सकता है। ट्वीट में बताया गया है कि अब काला सागर में रूस का नेवल बेस स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज में है। ब्रिटेन से मिले इस मिसाइल को लेकर ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई है और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर पुतिन की खास नजर है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की तरफ से दागी गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिरा चुका है। На солидарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Подразделениями вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих. एक स्टॉर्म शैडो की कीमत 23 करोड़ रुपए है, लिहाजा ये बहुत बड़ी मिसाइल है और इसका टारगेट भी बहुत खास होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन इसको सही तरीके से अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया है, जिसमें उसने रूस के किसी बड़े हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाया हो। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? यही वजह है कि इस मिसाइल की डिलीवरी में कोई ब्रेक न लगे, इसी बात को पक्का करने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन गए और साथ में कई और हथियारों की डिमांड की। Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу дальнього радіусу, такі як Storm Shadow. Була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були в Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow. ये स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जरूर है, लेकिन रूस का दावा है कि वो इसे इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है, यानी उसे आसमान में ही ट्रैक करके मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। सवाल है कि पुतिन स्टॉर्म शैडो को काउंटर करने के लिए अब यूक्रेन से कैसे बदला लेंगे। पुतिन को नेटो ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए पुतिन ने अब नेटो को टारगेट करने का फैसला किया है और इसमें पुतिन के दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 24, सुखोई 30 और सुखोई 35 तैयार कर दिए गए हैं। रूस की एयरफोर्स अब यूरोप के बीचों बीच इन विमानों से हमले की प्रैक्टिस कर रही है। इन तीनों विमानों को ऐसे मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें यूरोप का एयर डिफेंस पूरी तरह फेल हो जाएगा। ये तैयारी ऐसी जगह पर की जा रही है जो नक्शे पर नेटो को बहुत खटकती है, ये है कालिनिनग्राद
और यहां पुतिन ने अपने नए हथियार जुटाने तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट की नई स्क्वाड्रन भी यहां तैनात करने की तैयारी है। ये विमान ऐसे बम से लैस किए जा रहे हैं जिनकी रेंज में आसपास के बाल्टिक देश होंगे और नेटो के वो अड्डे होंगे जो अब तक रूस के हमलों से सुरक्षित माने जाते रहे हैं। लेकिन पुतिन ने स्टॉर्म शैडो को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है और वो फैसला ये है कि अब रूस अपना बदला ज़ेलेंस्की से नहीं बल्कि नेटो से लेगा। देखा जाए तो इस वक्त यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। युद्ध को 1.5 साल होने जा रहे हैं लेकिन ये हमले रुकेंगे ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ हजारों या कहें कि लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है।